तो क्या एपेक्स लेजेंड वापस आएगा, क्या शटडाउन कैंसिल होगा और इंडस गेम कब तक रिलीज होगा, ये सब हम जानेंगे गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड 8 में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ जो आ रही है वो है एरेना ब्रेकआउट को लेकर, जो कि एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम होने वाला है एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के लिए। ये गेम टेंसेंट द्वारा पब्लिश किया जाएगा और इसके डेवलपर्स मोरफन स्टूडियोज वालों ने बताया है कि इस गेम का बीटा वर्जन स्टार्ट होगा, मतलब कोर्स बीटा स्टार्ट होगा कुछ रीजंस में। 17 फरवरी से हमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, यूके और यूएस, और 9 मार्च को ब्राज़ील, इंडोनेशिया और जापान में, और मार्च में iOS डिवाइसेस पर हमें ये गेम का बीटा वर्जन देखने को मिलेगा। मतलब इन कंट्रीज़ में हमें ये गेम 17 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मैक्सिको, इन सब जगहों पर हमें ये गेम अवेलेबल हो जाएगा और आप उसको खेल सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको प्री रजिस्टर करना है। और बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया में भी आप खेल सकते हो VPN का यूज़ करके। चलिए बढ़ते हैं अपने गेम दूसरे गेमिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि है इंडस गेम को लेकर। इस गेम का ट्रेलर रिलीज हुआ था कुछ दिन पहले और गेम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसमें आपको इंडियन कैरेक्टर, हर चीज़ इंडियन से रिलेटेड देखने को मिलेगी। इस गेम में आपको एपिक्स लेजेंड वाली वाइब आएगी, क्योंकि दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। इस गेम का तो सुपर गेमिंग द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये इंडियन गेम के लिए काफ़ी बड़ा गेम होने वाला है। इससे पहले भी कई इंडियन गेम लॉन्च हुए थे पर फेल हो गए, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं फौजी। तो हमें ये देखना होगा कि कैसा इंडस परफॉर्म करता है, और फैंस के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस गेम से। बात करें इसके रिलीज डेट की, तो गेम हमें अप्रैल या मई तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसके कम्युनिटी प्ले टेस्ट होने वाले हैं। एक दो होने वाला था, एक हो चुका है और एक और कम्युनिटी प्ले टेस्ट होने वाला है। तो ये गेम हमें अप्रैल या मई तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी गेमिंग न्यूज की तरफ, जो कि एपेक्स लेजेंड को लेकर है। ये कुछ दिन पहले ये गेम की अनाउंसमेंट आई थी कंपनी की तरफ से, EA की तरफ से, कि ये गेम शट डाउन होने वाला है। उसके साथ साथ बैटल फील्ड को भी यहाँ कैंसिल कर दिया गया था। इसका बीटा वर्जन, मतलब बैटल फील्ड का जो बीटा वर्जन था वो आ चुका था, काफ़ी लोग उसको ट्राई भी किया था, फिर भी उसको कैंसिल कर दिया गया और उसके स्टूडियो को भी यहाँ मतलब हटा दिया गया। और साथ ही में एपेक्स लेजेंड मोबाइल, जो कि काफ़ी बड़ा गेम था, उसको भी सिर्फ अभी कुछ ही दिन हुए थे, मुझे लगता है 1 साल हुआ था अभी इस गेम को रिलीज हुए मोबाइल पर, और इसको ये वाले हटा रहे हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। फोन किया जाएगा इस गेम को 1 मई 2023 से, और इससे एपेक्स लेजेंड्स के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और इसलिए उन्होंने और कुछ बड़े क्रिएटर्स ने मिलकर एक ट्रेंड स्टार्ट किया है इस गेम को बचाने के लिए। सोशल मीडिया से सेव हैशटैग सेव एपेक्स मोबाइल का ट्रेंड जारी किया गया है, और फैंस के द्वारा। और देखना ये होगा कि क्या ये अपने डिसीजन को बदलेगा, क्या ये गेम हमें वापस से मोबाइल पर देखने को मिलेगा, शट डाउन कैंसिल किया जाएगा या नहीं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी जरूर से कर जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।